जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबिताम्बुजंग तुंगे मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ही हमारा 15वां दिन है किरण की बुक का। आज हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर किरण की बुक से। एलसीएम और एचसीएम इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिख देना। जय भोलेनाथ। कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो। तीन घंटियां हैं भाई, तीन घंटियां बजती हैं 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तीन घंटियां। सुबह में क्या करती है तीनों? 9 बजे बजना शुरू करती है, 9 बजे। तो बताना है एक साथ वो कितने बजे फिर बजेगी। आपने इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 180 मिनट के बाद वो फिर क्या करेगी, एक साथ बजेंगी। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा तीन घंटे के बाद ये एक साथ बजेंगी। 9 बजे अगर सुबह बजे हैं तो तीन घंटे के बाद कितना समय हो जाएगा, 12 बजे। तो 12 बजे बजेंगी तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है। दूसरा सवाल देखो। 24, 36, 24, 36, 40 इसका बताना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कैसे बताएंगे यहां पर देखो। बड़ी संख्या जो होती है ना, बड़ी संख्या का ऐसे मल्टीपल लेते हुए चलेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो 80। तो क्या ये 80 24 और 36 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना, लास्ट में आपको पता चलेगा 9 चौका 36, 360 है। कैसा मल्टीपल है? 40 का, जो 24 से भी डिवाइड होता है और 36 से भी। तो इसका मतलब एलसीएम 360 है। ट्रेडिशनल मेथड से आप करना चाहो तो वही है सवाल, 24 और ये 36 और ये 40, इस तरीके से आपने करते हुए चलना तो भी आंसर निकाल सकते हो। अब आपका एलसीएम निकालना पड़ जाए फ्रैक्शन में। सवाल आया है आपका 2016 में कल रख में 2/3, 4/6 और 8/27, इसका एलसीएम बताना है। लघुत्तम समापवर्तक ध्यान से समझना, जब भी आपसे फ्रैक्शन में पूछ ले, भिन्न में पूछ ले और एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएम। तो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, 6 और 27 का, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो 8/3 ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में आता है तो ये निकालना है। अब आपने बताना है सवाल एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का फ्रैक्शन में पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, सिंपल अगर क्वेश्चन दे दे तो उसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट करवा दूंगा। देखो यहां पर दे रखा है 54, 288, 54, फिर ये 288 और फिर दे रखा है आपका 360, इनका निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, जो भी बड़ी संख्या होती है 360, इस 360 को छोटे वाली संख्या से डिवाइड करना है 54 से, तो 54 से करेंगे, 6 पर जाएगा, 6 चौका 24, 6 5 30 और 2 32, शेष क्या बचेगा, ये बच जाएगा 6 और 7, या बचेगा 5 में से 2 गया 3, 36। अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे भागफल 54 को, इस तरीके से 36 एकम 36, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, फिर इसको ले आएंगे यहां पर 36 को, 18 दूनी 36, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक शेष 0 ना बच जाए, तो 18 क्या इसका एचसीएफ है, आंसर हो जाएगा कितना, 18। ये तरीका है निकालने का, ठीक है। अगर आपसे पूछता है फ्रैक्शन में एचसीएफ कैसे निकालना है तो फ्रैक्शन वाले भी देखो, ये दे रखा है आपका हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया है 4/5, 5/6 और 9/10, इसका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या बताया, एचसीएफ जब भी पूछता है या एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का जो पूछ रखा है वो निकालेंगे, एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे और नीचे वाली का निकालेंगे एलसीएम। तो इनका 5 और 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30 और इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। यहां पर देखो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, यानी एक और अपने आप से जो डिवाइड होती है वो संख्या है, प्राइम नंबर आ जाता है तो आपका क्या होता है एचसीएफ 1 हो जाता है, तो 1/13 ये हो जाएगा 1/30। 8वां क्वेश्चन, 2 का 8 का 4, ठीक है, ये आ जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आपने निकाल देना है, जब भी आपका फ्रैक्शन में पूछे ना, फ्रैक्शन में इस तरीके से निकालना है और सिंपल में पूछ ले तो ये निकालना है। अब आपके एचसीएफ कितने टाइप के यहाँ पर पूछे गए हैं वो देखो एक बार। एक टाइप आपका एचसीएफ का पूछा गया था, इसमें निकालना था ये रहा 1.75, 5.6 और ये दे रखा है 7, इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए लिखेंगे 100, पॉइंट हटाने के लिए 10 और इसके नीचे 1, अब ये पॉइंट हो जाएगी कैंसिल। 25 7 175, 25 2 का 100, इसको काट लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और ये आ जाएगा 2 5 10।
तो इसका निकालना है आपको HCF। HCF में क्या होगा, ऊपर वालों का HCF आ जाएगा, सात अट्ठाईस, सात का HCF है सात, और चार पांच और एक का एलसीएम कितना जाएगा 20, इससे डिवाइड कर देना 0.35, ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट में पूछ रखा था और ये आपका राइट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकाल देना। अगला सवाल देखो, इस टाइप से अगर पूछ लेता है HCF निकालना है महत्तम समापन पर, तो कैसे निकालेंगे? देखो, दो स्क्वेयर इंटू तीन का स्क्वेयर इंटू सात का स्क्वेयर, इसको कैसे लिखेंगे? दो का स्क्वेयर लिखेंगे 2 into 2, तीन का स्क्वेयर लिखेंगे 3 into 3, और इसको लिखेंगे सात का स्क्वेयर 7 × 7। एक बात तो ये, और दूसरी दे रखी है 2 × 3 की पावर 4 है, तो 3 को 4 बार गुणा कर देना, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, इस तरीके से 4 बार गुणा करेंगे, 3, फिर ये 3, और फिर दे रखा है 7, ये इसका HCF निकालना है। देखो जब इस तरीके से आ जाए ना, तो इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, HCF निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो जाएगा 2, इसका निकालेंगे ये पर 3 गुणा में 3, फिर ये 3, ये हो जाएगा 3, और यहां से आ जाएगा 7, तो गुणा में 7, 7 × 21 और 21 × 63, 63 × 2 = 2, 3 × 6 = 2, 6 = 12, 126 आ जाएगा आंसर। HCF क्या हो जाएगा, 126। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकाल देना है। 2 × 4, दूसरे का 4 का है 2, ठीक है, राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, अगर आपसे पूछ लेता है a माइनस बी माइनस बी का स्क्वेयर, a b माइनस बी का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर था होल नहीं है, और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, b कॉमन ले लेना, a माइनस बी बच जाएगा, इसको खोल लेंगे तो ये बच जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो इनमें से कॉमन कौन सा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 1661 और 2045 को भी विभाजित किए जाने पर 10 और 13 शेष रहता है? देखो, 1661 वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो एक बात ध्यान से समझो, जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो समझ जाना आपने निकालना है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो निकालना होता है LCM, लघुत्तम समापवर्तक, ये बात है। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब HCF निकलेगा इसका। तो HCF कैसे निकाल देंगे, 10 शेष बचेगा तो इसमें से क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, और 2045 को डिवाइड करते हैं तो कितना शेष, 13 शेष, तो इसको एक बार 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, 6 में से 1 गया 5, और ये हो जाएगा 6, 1, 1651, और इसमें से आपने क्या है 13 माइनस कर देना है, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ये 0, और ये जो 2032 और 1651 आपको HCF निकालना आता है, मैंने बता दिया 2032 जो बड़ी संख्या होती है 2032, इसको डिवाइड कर देना है आपने छोटी संख्या से 1651 से, इस तरीके से 1651, और इस तरीके से आप डिवाइड करते हुए चलोगे तो आपको लास्ट में, तब ऐसे डिवाइड करते हुए चलना है कि लास्ट में आपको 0 शेष प्राप्त हो, तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 7² = 2, 127। लास्ट में यहां पर एक संख्या बचेगी, 0 शेष बच जाएगा। इस तरीके से आप निकाल के देख लेना, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया आपको। क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 और 910 पेंसिल है, ये कलम है, ये पेंसिल है। इस तरीके से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। यहां पर छात्रों की अधिकतम संख्या पूछ रखी है, जब भी अधिकतम की बात आती है तो HCF होता है। इसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड कर देंगे 910 से, HCF निकाल देना 910, 1 ये हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 991, इसको भाग कर देना 10 पे कट जाएगा पूरा, यहाँ पर 0 शेष, तो 91 आंसर आ जाएगा। एक सवाल है आपका, मापने के तीन टेपों की लंबाई 65, 85 और 95 सेंटीमीटर है, उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इन तीनों मापने के टेपों में से किसी एक का उपयोग करके पूर्ण संख्या में मापा जाए? सीधे एलसीएम निकाल देना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20995 एलसीएम आ जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से निकाल देना, आसान है बिल्कुल। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आया आपका, पूछा गया तो ये होंगे, ये फार्मूला मैंने लिख दिया, इस फार्मूले पर बेस्ड आपके पूरे, मैं कहता हूं आपके 10 सवाल पूछे गए हैं। कैसे निकालेंगे इनको देखो, ये फार्मूला है लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम गुणा HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इनमें से ये दो दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी पूछ लेगा, ठीक है, यहां से HCF दे देगा, दो संख्या दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। कैसे सवाल आएंगे और यहां पर पूछे कौन से गए, देखो सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, तो यहां पर एलसीएम दे रखा है 1920 और आपका HCF है 16,
पहली संख्या दे रखी है एक 128 है तो दूसरी निकालनी है, ये संख्या निकालनी है तो 16 8 128 8 से काट देना, 8 2 16 8 4 32 जीरो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 240 यानी कि दूसरी संख्या क्या है 240 है, इस तरीके से निकालना है आपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 840 है, एलसीएम कितना है 840 गुणा में महत्तम समापवर्तक 14 है और एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या बतानी है कि सेकंड संख्या क्या होगी, बिल्कुल इजी है 14 3 42 3 से काट देना, 3 2 6 3 8 24 और ये 0 280 राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी 280 ऑप्शन नंबर 1। दो संख्याओं के लग उत्तम और महत्तम समापवर्तक 150 और 5 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी बतानी है, 150 एलसीएम है 5 एचसीएफ है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बतानी है, सेम क्वेश्चन 5 से काटना 25 5 ये काटेंगे तो 30 तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 30 राइट आंसर। इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल आपका ये पूछा गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 है, 2310 महत्तम समापवर्तक 30 है और दे रखा है एक संख्या 7 × 30 है, एक संख्या 7 × 30 है तो सेकंड संख्या बतानी है दूसरी संख्या क्या होगी, तो डायरेक्ट यहां से 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट देना, 7 21 7 21 330 डायरेक्ट राइट आंसर निकाल देना। एक सवाल आया है आपका, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 24 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 24 इस तरीके से और दो संख्याओं का अंतर यहां पर दे दिया, अब की बार कितना दे दिया अंतर, अंतर दे दिया तो सीधा ऑप्शन से उठाना है और आंसर रख देना है। देखो ऑप्शन क्या है, 6 और 4 डायरेक्ट देखना है, 6 और 4 इनका अंतर कितना है 2 और इनको गुणा करेंगे इनका वो आ जाएगा 24, गुणनफल यहां पर 24 था, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है तो 6 चौका 24 डायरेक्ट वो डिफरेंस आता है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक सवाल आपका सेम टाइप का और पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका, ये जो सवाल है पीजीटी राजनीतिक विज्ञान 2016 में और ये पूछा गया आपका जूनियर इंजीनियर एसएससी में। देखो एलसीएम एचसीएफ का गुणन है 24 और दो संख्याओं का अंतर है 2 सेम है तो इसी तरीके से आपने निकाल देना 6 और 4, इसका मतलब ये 2 बार पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है दो पद है पी और क्यू, पद का मतलब होती है संख्याएं, ये दो पद है मान लीजिए पी है और एक है आपका क्यू, तो एल इसमें दे रखा है एचसीएफ अगर एक है तो एलसीएम बताना है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा पी इंटू क्यू या फिर हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई ही होता है, पी क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लगा देना है ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है तो यहां पर देखेंगे एलसीएम दे रखा है 48 दो संख्याओं का, ठीक है और वे संख्याएं 2:3 में है तो बताना है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, संख्या कैसे निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 6 जबकि दे रखा कितना है 48, एक यूनिट की वैल्यू 6 8 48 तो 8 उसको गुणा करेंगे तो 8 2 16 और 8 3 24 वह संख्याएं आ जाएंगी 16 और 24 इनका योग बताना है तो 40 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका, तीन संख्याएं हैं भाई, तीन संख्याएं आपकी 2 3 4 5 के अनुपात में है, तीन संख्याएं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीन संख्याएं आपकी क्या है 3 4 और 5 के अनुपात में है और इसका जो एलसीएम है ना वो 2400 है तो यहां से निकालेंगे एलसीएम का कितना है 6 5 का 20 और 20 या 60 इनका एलसीएम आ जाएगा लेकिन दे रखा है कितना 24, 60 की बजाय 2400 दे रखा है, इसे डिवाइड कर देना ये आ जाएगा 40 डायरेक्ट, ये क्या आ जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ निकालना है तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो सीधा 40 इसको डिवाइड कर देना, बस तीन संख्या इस अनुपात में दे रखी है लघुत्तम समापवर्तक ये है तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 चौका 20 या 60 तो सीधा 60 से डिवाइड कर देना एचसीएफ आ जाएगा डायरेक्ट, इस तरीके से आपके क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है और कोई क्वेश्चन आपका रहता नहीं है मेरे ख्याल से, सारे सवाल हो गए। देखो हाँ बिल्कुल सारे सवाल हो गए भाई, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के सभी सवाल हो चुके हैं, आपने क्या करना है किस सवाल पर ध्यान देना, देखो एक तो आपने देना है एचसीएफ जब फ्रैक्शन में पूछ रखा हो, नंबर 2 बात एलसीएम जब फ्रैक्शन में पूछ रखा हो तो क्या करना है ऊपर वाले का एलसीएम अंश का और हर का एचसीएफ ये निकाल देना है। अगर सवाल आया तो आपका यहां से आएगा लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक इक्वल टू पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या के बराबर होती है, यहां से कुछ भी पूछ लेगा जैसे मैंने सवाल करवाई है कुछ भी पूछ लेगा, दूसरी संख्या बताओ पहली संख्या बताओ, यहां पर 3 वैल्यू आपको गिवन मिलेंगी, एक वैल्यू पूछ लेगा डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मैंने एक सवाल करवाया है AB-B² और A²-B² का एचसीएफ निकालना है, इस तरीके से सवाल आ सकता है, अलजेब्रा की फॉर्म में इसको भी ध्यान से करना है।
अगर दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल बात करूं तो मैं ये हो जाएगा 2² × 3² × 7² इस तरीके से जो क्वेश्चन सुनाया था ना उसको इस तरीके से आपने सोल्व किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, जैसे 2² था, फिर यहाँ पर 3² था, यहाँ पर 7² था, इनको आपने क्या करना है अलग अलग तोड़ लेना है। जैसे 2 × 2 जैसे मैंने सवाल करवाया भी, 3 को लिख देना है 3 और 7 को लिख देना है 7, और जो आगे दे रखे उसको भी जो भी कॉमन है उनको गुणा कर देना, राइट आंसर हो जाए। इस तरीके से आपने इन सवालों पर ध्यान देना। तो आज की क्लास में सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना है, ठीक है। मैंने आज पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है, उम्मीद करूंगा कल भी मैं जो आपको चैप्टर करवाऊंगा वो सारा कंप्लीट ही करवाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट हमें लिख देना है। जय भोलेनाथ।